एक पांव को सीधा हवा में उठाएं, वो 10 सेकंड तक रोकने का प्रयास करें। इसी प्रकार पुनः दूसरे पांव को उठाएं, वह 10 सेकंड तक रोकने का प्रयास करें। ऊपर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक पांव को सीधा रख बगल से उठाएं, वो उठाकर हवा में रोकने का प्रयास करें। शुरुआत में 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, 10 सेकेंड पुनः बढ़ाएं। इसी अभ्यास को पुनः दूसरे पांव से करें। एक पांव को सीधा रख हवा में सीधा व उल्टा गोल गोल घुमाएं। शुरुआत 5 बार से करें, पुनः बढ़ाकर इसे 7 बार, 10 बार, 12 बार करें। इसी अभ्यास को पुनः दूसरे पांव से भी करें। 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे इस पांव से भी करेंगे अपन, इसको भी गोल घुमाएंगे पूरा। 1, 2, 3 ये आप जगह करो तो आपको जगह दाएं पांव की एड़ी को बाएं पांव के पंजे पर रख धीरे धीरे घसीटते हुए ऊपर घुटने की ओर बढ़ें। इसी प्रकार पुनः धीरे धीरे एड़ी घसीटते हुए घुटने से पंजे की ओर बढ़ें। इसी अभ्यास को पुनः दूसरे पांव से भी करें। पांव को मुड़ा रख कुल्हे से पांव को कदम ताल की भांति चलाते रहें। पांव को घुटने को सीधा करें। दोनों पांव को मोड़ जांघों को स्थिर रख एक पांव को घुटने से हवा में सीधा करें व मोड़ें। इसी प्रकार पुनः दूसरे पांव से भी करें। इसे लगातार 10 बार करें। दोनों पांव के घुटने को मोड़ पंजे पर भार रख कमर के निचले हिस्से को व पुट्ठे को उठाने का प्रयास करें व 10 सेकंड तक हवा में रोकें। एक पांव की एड़ी घसीटते हुए पांव को मोड़ते जाएं व साथ ही दूसरे पांव की एड़ी घसीटते हुए उस पांव को सीधा करें। इस प्रक्रिया को 10 बार करें। दोनों पांव को मुड़ा रख कमर के निचले हिस्से व पांव को एक साथ दाएं व एक साथ पुनः बाएं उल्टा लेटकर दोनों हथेली पर भार लेकर गर्दन व छाती को ऊपर उठा उल्टा लेटकर एक पांव को सीधा रख ऊपर हवा में उठाएं व 10 सेकंड तक रोकें। पुनः दूसरे पांव से भी करें। 1, 2, 3, 4, 5 चौपाया बंद एक हाथ को सामने से उठाएं व रोकें। इसी प्रकार पुनः दूसरे हाथ से करें। 1, 2, 3, 4, 5 चौपाया बंद एक पांव को सीधा ऊपर उठाएं व रोकें। इसी प्रकार पुनः दूसरे पांव से करें। 1, 2, 3, 4, 5 हाफ नीलिंग पोजीशन में संतुलन बनाने का प्रयास करें। पुनः शरीर को दाएं व बाएं घुमाने का प्रयास करें मजबूत सपोर्ट के साथ।
बैठकर दोनों हाथों को सिर के पीछे पकड़ संतुलन बनाते हुए धीरे धीरे दाएं झुकें। वह पुनः सीधा होते हुए धीरे धीरे बाएं जाएं। इस प्रक्रिया को 5 बार करें। दोनों हाथों को सिर के पीछे पकड़ आगे झुकते हुए बाएं कोहनी को दाएं घुटने से लगाएं। वह पुनः सीधा होकर आगे झुकते हुए दाएं कोहनी से बाएं घुटने को लगाएं। बैठकर दोनों पांव को जमीन पर टिकाकर एक और झुकते हुए धीरे धीरे कोहनी को बिस्तर पे लाएं, दूसरे हाथ को हवा में उठाएं, पुनः वापस सीधा होते हुए दूसरी ओर झुकें व कोहनी को बिस्तर पे लाएं, पुनः दूसरे हाथ को हवा में उठाएं। इधर से एक और बार कोहनी टिकाएं, हाथ ऊपर, वापस। इसको भी 5 बार साथ। बैठकर दोनों पांव को जमीन पर जमा कर रखें। अब एक हाथ व दूसरे पांव को एक साथ ऊपर हवा में उठाएं व नीचे लाएं। इस प्रक्रिया को पुनः दूसरे पांव से भी करें। बैठकर एक पांव की एड़ी को उठाकर दूसरे पांव के घुटने पर रखें। पुनः इसी प्रक्रिया को दूसरे पांव से भी करें। दोनों पांव को सीधा रख बैठ जाएं। हाथ की हथेली को घसीटते हुए घुटने से पंजे की ओर जाएं। इस प्रक्रिया को 10 बार करें। दोनों पांव को सीधा रख बैठ जाएं। दोनों हाथ को आपस में पकड़ धीरे धीरे आगे झुकें जहां तक झुक सकते हैं व पुनः धीरे धीरे पीछे सीधा होएं। संतुलन बनाने का प्रयास करें। दोनों पांव को सीधा रख बैठ जाएं। दोनों हाथ को आपस में पकड़ धीरे धीरे शरीर को दाएं व पुनः धीरे धीरे बाएं घुमाने का प्रयास करें। संतुलन बनाएं। कुर्सी या पलंग पर बैठकर खड़े होने का प्रयास। ध्यान रखें, दोनों पांव जमीन पर जमे रहें। खड़े होते समय शरीर को आगे की ओर रखें। धीरे धीरे खड़े हों। सपोर्ट के साथ अपनी जगह पर खड़े होकर कदम ताल करने का प्रयास करें। सपोर्ट के साथ खड़े होकर एक पांव को उठाकर आगे लाएं व पुनः वापस अपनी जगह पे लाएं। इसी प्रकार पुनः दूसरे पांव से भी करें।
संतुलन बनाकर दोनों पाँव की एड़ियों को ऊपर उठाएं व रोकने का प्रयास करें। शुरुआत में इसे पाँव को चौड़ा रख करें, फिर धीरे धीरे पाँव के बीच की चौड़ाई को कम करते जाएं। खड़े होकर एक हाथ से संतुलन बनाकर दूसरे हाथ को सीधा सामने से ऊपर उठाएं व नीचे लाएं। इसी प्रक्रिया को पुनः दूसरे हाथ से भी करें। खड़े होकर संतुलन बनाकर एक हाथ को सीधा बगल से ऊपर उठाएं व नीचे लाएं। इसी प्रकार पुनः दूसरे हाथ से भी करें। खड़े होकर संतुलन बनाकर एक हाथ से दाएं व बाएं दूर ले जाने का प्रयास करें। वापस पुनः दूसरे हाथ से भी करें। खड़े होकर दोनों हाथ की मजबूत पकड़ बनाकर धीरे धीरे कमर से आगे झुकें व पुनः धीरे धीरे सीधे होते जाएं। संतुलन बनाने का प्रयास करें। अब 5 दो और 6 1 सहारे के साथ संतुलन बनाते हुए धीरे धीरे आगे चलने का प्रयास करें व पुनः धीरे धीरे पीछे चलने का प्रयास करें। पीछे